हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको ये पीरियोडिक टेबल बताई थी। आज हम आपको इस पीरियोडिक टेबल के अंदर और भी बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए, सबसे पहले कल मैंने आपको बता दिया था, इस पूरी पीरियोडिक टेबल को हमने चार ग्रुप के अंदर डिवाइड किया था। ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकेंड, इन दोनों को हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ठीक है बच्चों। और ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक आपका पी ब्लॉक आता है। तो अब हम आज बात करने जा रहे हैं सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट की। सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट की आज हम बात कर रहे हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा मैं जो कर रहा हूँ। देखो बच्चों, ये एस ब्लॉक एलिमेंट में जो पहला ग्रुप है हेलीना की रब से फरियाद, इस फर्स्ट ग्रुप को हम कहते हैं बच्चों एल्केलाई मेटल यानी कि क्षारीय धातु। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये क्षारीय धातुएं कहलाती हैं बच्चों। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट मैं इधर लिख देता हूँ, ग्रुप नंबर फर्स्ट को हम बोलते हैं बच्चों एल्केलाई मेटल्स यानी कि क्षारीय धातु। क्यों कहते हैं इनको क्षारीय धातु? इसके पीछे रीज़न है, यानी कि अगर हम इन धातुओं के ऑक्साइडों की रिएक्शंस, बच्चों इनके ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराएं या फिर इनकी खुद की रिएक्शन वाटर के साथ कराएं, तो ये बेस बनाती हैं, ये क्षारीय तत्व या हम ये कह सकते हैं ये क्षारक बनाती हैं, यानी कि ये एक एल्केलाइन सब्सटेंस बनाती हैं। इसलिए हम इनको क्षारीय धातु बोलते हैं, एल्केलाइन मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर सेकेंड, ठीक है बच्चों। जो ग्रुप नंबर सेकंड है, जो दूसरे नंबर का जो ग्रुप है, उसे हम बोलते हैं एल्केलाई अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। ग्रुप नंबर सेकंड को बोला जाता है बच्चों एल्केलाई अर्थ मेटल, क्योंकि अर्थ क्रस्ट पर ये मोस्टली मिल जाते हैं, और वही इनके भी जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, इनमें ये मेटेलिक ऑक्साइड भी क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि एल्केलाइन नेचर के होते हैं। तो इनकी भी जब हम रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, तो ये भी एक बेस यानी कि एल्केलाई मटेरियल बनाते हैं। अंडरस्टैंड बच्चों? तो ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकेंड को हम बोलते हैं बच्चों एल्केलाई मेटल, एल्केलाई अर्थ मेटल। अब हम बात करते हैं बच्चों पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक के अंदर बच्चों जो लास्ट का 18 ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, हम पीछे से चलते हैं। पी ब्लॉक के अंदर जो 18 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18, इसको बोला जाता है इनर्ट गैसे, या इसको अपन बोलते हैं नोबल गैसेज, ठीक है ना। बिकॉज एटमोसफियर के अंदर बच्चों हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन ये फ्री स्टेट में मिलती हैं, ये मुक्त अवस्था में मिलती हैं, कभी भी ये द्विपरमाणुक अणु नहीं बनाती, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं बनाती हैं बच्चों। यानी कि हीलियम जो है वो हीलियम की फॉर्म में ही आपको मिल जाता है, वो कभी भी आपको H2 फॉर्म में नहीं मिलता। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, हीलियम कभी भी H2 या Ne2, नियोन कभी भी Ne2 नहीं मिलता, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं Ne, He, ठीक है ना, हीलियम, नियोन। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये जो 18 ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं इनर्ट ग्रुप, या फिर हम इसको इन सबको बोलते हैं इनर्ट एलिमेंट, या फिर इनको बोला जाता है नोबल गैसेज। तो ग्रुप नंबर 18, इसको बोला जाता है बच्चों नोबल गैसेज, अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस एलिमेंट, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस तत्व, उत्कृष्ट तत्व, अक्रिय तत्व, ठीक है बच्चों। तो उत्कृष्ट गैस तत्व हैं, नोबल गैसेज हैं ग्रुप नंबर 18, ठीक है बच्चों। बिकॉज इनका आउटर मोस्ट सेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है, जैसे हीलियम की बात करें तो हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीट होते हैं, इसलिए यानी कि सबसे बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीट हैं, इन सबका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होता है बाह्यतम कोष में, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में इनके कंप्लीट इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं, इसलिए ये ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते ना किसी को इलेक्ट्रॉन देते, ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करते, इसलिए हम इनको उत्कृष्ट गैसे, अक्रिय तत्व यानी कि नोबल गैसे और इनर्ट एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये ग्रुप नंबर 18 की बात हो गई।
ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन एलिमेंट कहा जाता है। ग्रुप नंबर 17 को बच्चों हेलोजन कहा जाता है, तो जिनको अपन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इन्हीं की होती है नेगेटिव में। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये जो हैं इनको हेलोजन एलिमेंट बोलते हैं। बच्चों ये हेलोजन है तो ये जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नोबल गैस की तरह स्टेबल हो जाती हैं। नोबल गैस जो है 18 ग्रुप वो स्टेबल ग्रुप है। ये ग्रुप जो है बच्चों स्टेबल ग्रुप है। तो ये एलिमेंट जो है 17 ग्रुप एलिमेंट ये भी ओनली वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट जाते हैं, ये इनको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे स्टेबल हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ऑर्गन के जैसा स्टेबल हो जाएगा। ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्रिप्टॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। आयोडीन जीनोन के जैसा बन जाएगा। तो इसलिए बच्चों इनको हम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो ये जल्दी से रिएक्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फास्टली रिएक्शन करते हैं। और पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बच्चों फ्लोरीन। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता वाला तत्व फ्लोरीन होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और पॉलिंग स्केल से इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली गई है यानी कि विद्युत ऋणता, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता जो निकाली गई है बच्चों, जो मानी गई है पूरी पीरियोडिक टेबल में, वो मानी गई है 4। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता को 4 माना जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फैमिली की अगर हम बात करें ओ स्टाइल से टीपो, तो इनको चालकोजन भी कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। ऑक्सीजन फैमिली को यानी कि ग्रुप नंबर 16 को हम चालकोजन बोलते हैं। चालकोजन, ठीक है ना, चालकोजन, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 16 को चालकोजन फैमिली बोला जाता है, चालकोजन एलिमेंट्स बोला जाता है। इसके अंदर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम आता है। अब बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो सारे एलिमेंट होते हैं, इनके अंदर बच्चों आपके इन पूरे एलिमेंट्स के अंदर गैसेस भी आती हैं, इनके अंदर मेटल्स भी आते हैं, मेटलॉइड्स भी आते हैं और इनके अंदर नॉन मेटल्स भी आते हैं। तो बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके मेटल्स, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स सब आते हैं। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स हिंदी में बता देता हूँ मैं आपको। देखिए बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है इसके अंदर आपको मेटल्स भी मिलेंगे यानी कि धातुएं भी मिलेंगी, इसके अंदर आपको अधातुएं यानी कि नॉन मेटल्स भी मिलेंगे और इसके अंदर आपको उपधातुएं यानी कि मेटलॉइड्स भी मिलेंगे। तो बच्चों मैं एक जिगजैग लाइन डाल रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखेंगे पी ब्लॉक के अंदर। देखिए स्टार्ट करते हैं, मैं डार्क कर देता हूँ ये आपका, मैं एक जिगजैग लाइन यहाँ पर डाल रहा हूँ, आपको पीरियोडिक टेबल में भी ये दिखाई देगी। दिस इज़ द जिगजैग लाइन। अब इस जिगजैग लाइन में मैंने बंद किया एक तो सेलेनियम सिलिकॉन, एक आपके जर्मेनियम दिखाई दिया जी, एक आपका आर्सेनिक, ठीक है, एक आपका दिखाई दिया बच्चों एस बी, दिस इज़ द एंटीमनी एंड दिस इज़ द टेलुरियम। तो ये 5 जो हैं बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों की अगर हम बात करें तो ये पांचों जो हैं जो कि जिगजैग लाइन पर आ रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं बच्चों मेटलॉइड्स यानी कि उपधातुएं। इन पांचों के इधर जो आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर ये जो बच गए हैं दैट इज़ द मेटल्स एंड यहाँ पर दैट इज़ द नॉन मेटल्स। तो इस जिगजैग लाइन के नीचे की तरफ एल्यूमिनियम, बोरोन, गैलियम, इंडियम, टिन, लेड, ठीक है ना, स्टेनलेस टिन, लेड, बिस्मिथ, थोरियम, ये जो जितने भी आपको दिखाई, थेलियम, जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, सॉरी ये सारे के सारे मेटल्स हैं और ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। तो ये आपके इधर यानी कि जिगजैग लाइन के अभाव, ये आपके जिगजैग लाइन के जो अभाव आ रहे हैं बच्चों
इस जगह मैं लाइन कर देता हूँ। ये जो आपके आ रहे हैं ये आपके सारे के सारे नॉन मेटल हैं, और ये जो आपके आ रहे हैं बच्चों नीचे, इनमें ये सारे मेटल्स हैं। यानी कि जिग जैग लाइन के नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों सारे के सारे आपके मेटल्स हैं, और अबाव ऊपर की तरफ सारे के सारे नॉन मेटल हैं, और इस जिग जैग लाइन पर जो मैंने राउंड मार्क किए हैं ये सारे के सारे मेटलॉइड्स हैं, यानी कि उपधातुएं हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो बात ये समझ में आती है कि उपधातुएं क्या होती हैं। तो उपधातुएं यानी कि मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनके अंदर मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम बच्चों क्या कहते हैं, उपधातुएं कहते हैं। दैट इज़ द उपधातुएं यानी कि मेटलॉइड्स। और इनका यूज बच्चों सेमीकंडक्टर बनाने में यानी कि अर्धचालक बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलूरियम और पोलोनियम, पोलोनियम धातु में गिना जाता है और बोरोन अधातुओं में गिना जाता है। बच्चों इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए इनको मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलूरियम, हम इनकी बात करते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए ये उपधातुएँ हैं। अब बच्चों मैं आपको और चीज़ बताने वाला हूँ, वो है इनका एटॉमिक नंबर, कि इनका एटॉमिक नंबर कैसे डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि हमने आपको बोला था कि 30 एलिमेंट आपको याद होने चाहिए कम से कम। तो हाइड्रोजन वन नंबर पे आता है, इधर से 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस तरह आता है। लेकिन बच्चों मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल थोड़ा इजी तरीके से सिखा देता हूँ। देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। अब इस 2 के अंदर बच्चों हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ जब जाते हैं तो प्लस 8 ऐड करते हैं, क्योंकि इनमें आपके 8 एलिमेंट आते हैं। आप इसको गिन सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर टोटल 8 एलिमेंट आते हैं, हीलियम से लेकर नियोन के बीच में 8 एलिमेंट आते हैं, इसलिए हीलियम के बाद आप 8 ऐड करोगे इन सब में। तो बच्चों हीलियम से जब हम नियोन पर चलते हैं तो 8 ऐड करते हैं, ठीक है, 8 एलिमेंट ऐड करेंगे। और इसी तरह हीलियम में 8 ऐड करा तो आपके पास बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 10। तो नियोन जो है वो 10 नंबर पर आता है, हीलियम 2 नंबर पर आता है। अब हम बात करते हैं वापस ऑर्गन पर। तो दोबारा जब यहाँ से यहाँ चलेंगे यानी कि इस पीरियड से बच्चों इस पीरियड में चलेंगे तो भी आप दोबारा 8 ऐड करना है, फिर से 8 ऐड करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 18। तो ऑर्गन आपका 18 पे आता है। फिर इधर से इस पीरियड में दोबारा चलोगे यानी कि फर्स्ट से सेकंड पीरियड में चलते हैं जब तो 8 ऐड करते हैं, ठीक है। और फिर सेकंड से थर्ड पीरियड में चलते हैं तो भी 8 ऐड करते हैं। फिर थर्ड से फोर्थ पीरियड में चलते हैं तो बच्चों 18 एलिमेंट्स यहाँ पर आते हैं, इसलिए यहाँ पर 18 ऐड करते हैं। अब फिर से बात करते हैं इधर से यानी कि पीरियड नंबर 4 से पीरियड नंबर 5th में आते हैं, पीरियड नंबर 4 से पीरियड नंबर 5th में आते हैं। तो बच्चों जब हम स्कैंडियम, ये दिखाई दे रहा है आपको स्कैंडियम पीरियड नंबर, तो दोबारा आप 18 ऐड करोगे फिर से। बच्चों फिर से देखिए, जब ये ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 हो गया, 18 में 18 ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा, और 36 में फिर 18 ऐड करेंगे तो 54 आ जाएगा, 54। तो जीनोन का 54 होता है। अब आपको यहाँ से यहाँ जाने पर बच्चों यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ से यहाँ जाने पर 32 ऐड करना है, 32 प्लस करना है, ठीक है। इधर 18 प्लस कर रहे थे, अब 32 प्लस करना है, और फिर नीचे से इसमें से भी इसमें जाओगे तो भी प्लस 32 करना है, क्योंकि जब हम 15 से फिफ्थ पीरियड से पांचवे पीरियड से छठे पीरियड में जाते हैं तो बच्चों यहाँ पर लेंथेनाइड सीरीज आ जाती है। तो लेंथेनाइड सीरीज तक अगर हम एलिमेंट गिने तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 और 32 टोटल 14 एलिमेंट्स यहाँ पर आते हैं बच्चों। यानी कि लैंथेनाइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट इसमें होते हैं, 14 एलिमेंट्स यानी कि 14 तत्व लैंथेनाइड सीरीज में होते हैं और 14 तत्व इसमें होते हैं, 14 एलिमेंट्स इसमें होते हैं, ध्यान रखेंगे बच्चों। तो इसीलिए जब हम पीरियड नंबर 6 से 7 में आते हैं या 5 से 6 में आते हैं तो भी 32 ऐड करते हैं, और 6 से 7 में आते हैं तो भी 32 ऐड करते हैं। ये एटॉमिक नंबर डिसाइड करने का तरीका है। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि बच्चों जब हम यहाँ तक की बात करते हैं, लेंथेनम तक, जब यहाँ से यहाँ जाओगे इधर से, तब बच्चों आपको ओनली 18 ऐड करना है। यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन है, लेकिन जिरकोनियम से आफ्मियम में जाओगे तब आपको 32 ऐड करना है, यहाँ से 32 ऐड करना है, बिकॉज लेंथेनम के बाद एलिमेंट ये आते हैं बच्चों, 14 एलिमेंट, तो 18 और फिर इसके बाद 14, उसके बाद ये एलिमेंट आता है, ठीक है। मैं भी आपको करके दिखा दूंगा इसी तरह। इसके बाद तो फिर आपको कंटिन्यू 32 ऐड करना है, वहाँ पर कोई डाउट नहीं है। केवल यूट्रियम से लेंथेनम पर जाओगे तो 18 ऐड करोगे, लेकिन जिरकोनियम से हाफमियम में जाओगे, ZR से हाफमियम का निकालोगे तो आपको 32 ऐड करना है। तो यहाँ से यहाँ में आपको 32 ऐड करते हुए चलना है फिर कंटिन्यू। तो मैं आपको सिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको आयरन का पता है कि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। अब आपको इसका निकालना है, ठीक है ना। तो इसका कैसे निकालेंगे, Ru का देखो कैसे निकलेगा, वैसे 26 में आपको कितना ऐड करना है, 18, तो 26 में 18 ऐड करोगे तो 26 प्लस 18 आपका हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 44, ठीक है। तो इसका मतलब Ru का आपका एटॉमिक नंबर होता है 44, ठीक है बच्चों। इस तरह आप किसी का भी एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको मोलिब्डेनम का निकालना है, मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, फिर उसके बाद W को टंगस्टन बोलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्रोमियम का 24 होता है, क्रोमियम का 24 होता है, 24 से आपको मोलिब्डेनम का निकालना है। तो देखो कितने ऐड करते हैं, 18, तो 24 में 18 ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 42। तो मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर, जब आप टंगस्टन पे जाओगे W पर तो आपको 32 ऐड करना है, तो 42 में 32 ऐड करोगे तो ये आपके 74 आता है, तो टंगस्टन आपका 74 पर आता है। तो बच्चों इस तरह आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी यहाँ निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो देखो 74 में अब आपको 32 ऐड करना है, तो 74 में 32 ऐड करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 106। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा बच्चों उसका एटॉमिक नंबर 106 होगा। तो इस तरह बच्चों आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। तो बच्चों ये आज हमने आपको एटॉमिक नंबर निकालना सिखाया है किसी भी एलिमेंट का। आपको केवल 30 तक याद होने चाहिए, फिर उसके बाद आप किसी का भी निकाल सकते हो। तो बच्चों अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसकी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।